देखिए, दिल्ली सरकार पूरी तरह से परिवहन व्यवस्था में फेल हो चुकी है। और आपने देखा होगा, जब केजरीवाल साहब ने 2015 में सत्ता संभाली थी, तब उस समय 6,500 के आसपास बसें थी, 6,800 के आसपास, और लगभग 3,000 बसें कम हो गई। बहुत शर्म की बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और परिवहन में डीटीसी की बसें घट रही हैं। और ये साहब कह रहे हैं कि आप हमको मेट्रो भी दे दीजिए। जब आप डीटीसी नहीं संभाल पा रहे, तो आप कैसे परिवहन व्यवस्था संभालेंगे? डीटीसी की बसों की हालत जर्जर हो गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी आप यमुना विहार डिपो पर ही चले जाएं। अभी आपको पुरानी 20 बसें खड़ी हुई मिलेंगी मरम्मत करती हुई, एक बस भी आपको स्वस्थ हालत में नहीं मिलेगी। बड़े बड़े टर्मिनल फेल पड़े हैं, कर्मचारी परेशान हैं, लोग डीटीसी की बस नहीं होने के कारण परेशान हैं, मेट्रो पर बोझ लदा पड़ा है। क्या कर रही है सरकार? पहले वर्ष में 1,000 बस लाने का वादा करने वाली सरकार अब तक एक सिंगल बस नहीं खरीद पाई। ऐसी सरकार को रहने का एक मिनट भी अधिकार नहीं है। बस स्टैंड के बारे में तो सेकंड फेज में आता मैं, लेकिन बस स्टैंड की हालत तो जर्जर है, आप खुद बता रही हैं, खुद देख रही हैं, लेकिन जब बसें ही नहीं हैं, रूटों में जो बस चल रही थी वो बसें बंद हो गई हैं, लोग परेशान हैं। मैं सोनिया विहार जाता हूँ, वहाँ के लोग परेशान हैं। मैं गोकुलपुर गांव जाता हूँ, वहाँ के लोग परेशान हैं। मैं घोंडा जाता हूँ अंदर की, तो सब बसें बंद ही हो चुकी हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। इस मामले में दिल्ली सरकार पूर्ण तरह से विफल है।